ये हौसला मिला है कि अगर बीमारी आ भी गई तो इलाज के अभाव में जिंदगी खत्म नहीं होगी। इसी तरह जन धन खातों से गरीब को बैंक जाने का अधिकार मिला है। इन्हीं बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा भेजती है, इन्हीं खातों में किसानों को किसान सम्मान निधि जाती है, जिनमें से करीब 1.5 करोड़ लाभार्थी हमारे दलित किसान ही हैं। फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले किसानों में बड़ी संख्या दलित और पिछड़े किसानों की है। युवाओं के लिए भी 2014 से पहली जितनी स्कॉलरशिप मिलती थी, आज हम उससे 2 गुनी स्कॉलरशिप दलित युवाओं को दे रहे हैं। इसी तरह 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए दलित परिवारों के खातों में भेजे गए, ताकि उनका भी अपना पक्का घर हो। और भाइयों बहनों, भारत इतने बड़े बड़े काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आज दलित, वंचित, पिछड़ा और गरीब के लिए सरकार की नीयत साफ है। भारत ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपका साथ और आपका विश्वास हमारे साथ है। संतों की वाणी हर युग में हमें रास्ता भी दिखाती है और हमें सावधान भी करती है। रविदास जी कहते थे, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मानुष ताकु खात है रैदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था, उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था, इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी। वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टी आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से, इस तरह की सोच से सावधान रहना है। हमें जातिवाद की नकारात्मक मानसिकता से बचकर रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का पालन करना है। साथियों, रविदास जी कहते थे, 100 वर्ष लो जगत मही जीवत रही करूं काम, रैदास कर्म ही धर्म है कर्म करहु निह काम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन
हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। संत रविदास जी की शिक्षा आज पूरे देश के लिए है। देश इस समय आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।